हमारे YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। जय हिंद, मैं हिना मंसूरी, स्वागत है आपका CNCCTV News में। दिल्ली हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के कर्मचारी अंकित शर्मा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि IB कांस्टेबल अंकित शर्मा पर चाकू से बार बार हमला किया गया था। अंकित की मौत शरीर पर चाकू लगने और बुरी तरह से पीटे जाने से हुई थी। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को चांदबाग में नाले से मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। बिहार की राजधानी पटना में गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। मामला राजधानी पटना के पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन का है। यहां 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची का कोचिंग जाते समय अपहरण किया गया और फिर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने बताया है कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है, यानी आज जुम्मे की नमाज है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। हिंसा वाले इलाकों खजूरी खास और दयालपुर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि 26 फरवरी की शाम के बाद से अब तक हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे लोग अभी तक डरे हुए हैं। हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 215 लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं और अर्जियों पर सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं और अर्जियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान और सौरभ भास्कर समेत अन्य लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आज उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। वह मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक की जगह लेंगे। SN श्रीवास्तव AGMU काडर में 1985 बेंच के अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस में SN श्रीवास्तव को एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। बतौर DCP उन्होंने दक्षिण पश्चिम और उत्तर जिले का प्रभार संभाला था। वे दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक डिवीजन में भी तैनात रह चुके हैं। श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग ब्रांच के अलावा हेडक्वार्टर शाखा भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।